فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العلي العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم तरक्तफ़ी कुम अमरी लन तदिल्लु मा तमस्क तुम बिही मा किताबुल्ला वसन्नत रसूल अवलाम इस आयत शरीफ़ा में अल्ला तबारक वाल इरशाद फरमा रहे हैं कि नबी करीम सल्ह वसलम दीन और शरीयत के सिलसिले में जो इनायत फरमाएं, जो बयान फरमाएं और जिनको अगज करने का हुक्म सादिर फरमाएं, उनको अगज़ करो उनको कबूल करो उन पर अमल पैरा हुआ और जिन चीज़ों से रोक दें और ये फरमाएं कि ये मत करो या ये है कि उसमें किसी के साथ तशबीह दें मत जैसे शिर्क के साथ या कुफ्र के साथ या जहालत के साथ जैसे इरशाद फरमाए कि ऐसा करना शिर्क है या ऐसा करना कुफ्र है या ये जहालत की चीज़ है ये जहालत के रसूमात में से एक रस्म है तो उनसे रुक जाओ मा नहाकुम व मा नहाकुम अन्हु फंतहु तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को सारी चीज़ों का पैगाम दे दिया है और बतला दिया है कि जो भी चीज़ जिसका सबूत क़ुरान और हदीस से या उससे अगज़ किए हुए मसाइल से नहीं हैं वो सब जलालत हैं वो सब गुमराही में ले जाने वाली चीज़ें हैं और सबसे बड़ी चीज़ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो है शिरक शिरक की दो किस्में हैं एक है शिर जली और एक है शिर खफी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के बाद लोग शिर के जली में ज़्यादातर मुबतला थे और शिर के खफी में कम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परदापोशी पोशी के बाद आपकी दुनिया से रहलत फ़रमा जाने के बाद शिर के जली में लोग कम मुबतला हैं लेकिन शिर के खफ़ी में ज़्यादातर इब्तला है और ज़्यादा मुबतला हैं मसलन चांद गहन है जिसको अरबी में ख़ुसूफ़ कहते हैं और कभी कभी कुसूफ के लफ़ का भी इस्तेमाल कर लिया जाता है तबादले के तौर पर ज़्यादातर इस्तेमाल खसूफ़ का है कि चांद गहन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी ये वाक़ हुआ है साहब कराम रिजवानल तजमैन से आपने ख़िताब फ़रमाया और आप मुखातिब होकर आपने ये इरशाद फरमाया कि ये चाँद हो या सूरज हो ये दोनों अल्लाह ताला की मखलूक़ हैं अल्लाह ताला ने उनको इस अजाब में यानी जैसे परछाई आ जाती है साया आ जाता है ये अल्लाह ताला का एक अजाब है जो उन पर दिया जाता है मगर ये अजाब इसलिए अल्लाह ताला उनको देते हैं ताकि जो परस्तिश करते हैं जो पूजते हैं जो इनकी पूजा करते हैं चांद की या सूरज की वो इससे इबरत लें और सबक पकड़ें वो ये सोचें कि हम इनको इकी इबादत करते हैं इनको बड़ा मानते हैं या नौज बिल्ला इनको खुदा मानते हैं या बड़ी ताकत वाला समझते हैं ये भी अल्लाह के अजाब में और अल्लाह की गिरफ्त में आ जाने वाले हैं तो जो अल्लाह के अजाब में है या अल्लाह के गिरफ्त में आ जाने वाले हों वो इस लायक नहीं हैं कि उनकी परस्तिश की जाए और उनको बड़ा माना जाए और उनकी इबादत की जाए या यह है कि उनको कोई ऐसा ताकतवर समझा जाए कि वो बहुत ही ताकतवर है और ताकतवर के साथ साथ अल्लाह के साथ इसको शरीक बना लिया जाए इसलिए नबी सब कराम से इशाद फरमाया जब तुम ये वाक़ देखो और तुम्हारे ज़माने में और उम्मत के लिए भी आपने ये पैगाम दिया साहबा कराम के आड़ में साहबा को आपने ख़िताब किया कि जब ये वाक़ा रूनुमा हो तो तुम अल्लाह को याद करो अव्वल यह है कि इससे सबक सीखो कि ये अल्लाह ताला की एक मखलूक़ है जैसे और मखलूक़ हैं वैसे ही ये अल्लाह की एक एक मखलूक़ हैं दुनिया में जो भी माँ मासीवल्ला हैं जो अल्लाह के अलावा हैं वो मखलूक़ हैं वो कभी खालिक या खालिक के हमसर नहीं हो सकते हैं तो तुम जब ये वाक़ देखो तुम्हारे ज़माने में गहन हो चांद हो या सूरज गहन हो तो तुम सबसे पहले अल्लाह ताला को याद करो अल्लाह की याद में लगो और अल्लाह की याद में लगने का सबसे बेहतर तरीका जिस तरीक़े से बेहतर कोई नहीं है वो नमाज है इसलिए तुम नमाज अदा करो कसूफ़ की नमाज अगर है यानी सूरज गहन की अगर नमाज है तो आप सल्लम ने जमात के साथ दो अक़ात नमाज पढ़ने की तरगीब दी अगर चे अगरचेम उम्मत ने इसमें इख्तिलाफ़ किया है कि उस नमाज़ की कैफियत क्या हो बहरकैफ़ नमाज की तरगीब है और ख़ूफ की नमाज चूँकि चाँद गहन राथी को वाक़ होता है इसलिए आप स्वारे 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 ने घरों में रहकर अपने अपने घरों में रहकर अल्लाह को याद करने की तरगीब दी और ये बताया कि इसमें तुम नमाज पढ़ो और तुम्हारे जहन में तुम्हारे दिलों में ये चीज़ समानी चाहिए समा जानी चाहिए हर वक्त ये ये सोचो कि देखो अल्लाह ताला की इतनी बड़ी मखलूक है वो भी अल्लाह की गिरत में और अज़ाब में आ जाती है तो हमको इससे सबक लेना चाहिए बस इतनी ही चीज़ शरीयत में है इसके अलावा के चांद गहन के वक्त में कोई चीज़ न खाई जाए न पी जाए या इतने वक्त से लेकर के इतने वक्त तक खा खाई जाए न पी जाए और फला महदूद चीज़ या मुन चीज़ न खाई जाए या अगर कोई हमला है तो वो तरह तरह की उसके साथ बर्ताव किया जाता है कि तुमको जो है सीना नहीं चाहिए या फ़लाँ चीज़ खाना नहीं चाहिए ये सब बेतूख है और यही है शर के खफी जब आदमी के ईमान में कोई गड़बड़ी पैदा होती है तो किसी भी तरफ से शैतान आ कर के उसको उकसाता है और सबसे बड़ी चीज़ जो उसके जहन में शैतान ये डालता है कि देखो हमारे आबाव अजदाद ऐसे ही करते आ रहे हैं कि सूरज ग्रहण हो या चाँद गहन हो उस वक्त में वो नहीं खाते थे या नहीं पीते थे या ये ये काम किया करते थे जिसका शरीयत में कोई सबूत नहीं ये सबसे बड़ी दलील वो पेश करता है और लोग उसी को आज मानते जा रहे हैं ये हालांकि इस चीज़ का कोई सबूत नहीं जैसे कि मैंने अर्ज़ किया शरीयत में सिर्फ अल्लाह को याद करने का है आदमी जो चाहे जो खाए जो पिए अलबत्त साइंसी लिहाज से अगर ये उसको बता दिया जाए कि ये चीज़ खाने से चूँकि उसमें सूरज की टिकिया उसकी रोशनी या चांद की टिकिया या उसकी रोशनी इसके सिलसिले में ये चीज़ मुज़िर है तब भी वहाँ आवाम को इसकी इजाज़त नहीं है जो खवास हैं वो इसका ख़याल कर सकते हैं मगर वो आवाम को नहीं बताएंगे वजह इसकी यह है कि आवाम का ईमान और उनका एतक़ाद उनका अकीदा बहुत ही नाजुक हुआ करता है जैसे मैं मिसाल के तौर पर यह अर्ज़ कर रहा हूँ यौम शक में आवाम के लिए जायज़ नहीं है कि वो उसमें रोज़ा रखें लेकिन खवास के लिए जायज़ है वजह इसकी यह है कि खवास अपने दिल को अपने ईमान को या अपने कल्ब को मजबूत बना लेते हैं और उनको ये चीज़ है हासिल है कि वो डावाडोल नहीं करेंगे वो नफली रोज़ा रखेंगे ज़रा भी तवज्जो रमज़ान की तरफ नहीं जाएगी तो इसमें पुख्तगी चाहिए और ये आम तौर पर आवाम को हासिल नहीं है ठीक इसी तरह से अगर कोई साइंस का ख़्याल करके फ़लाँ चीज़ नहीं खाता है तो उसको बिल्कुल पोख्तगी के साथ लेना चाहिए कि मेरा रुकना दीन और शरीयत के लिहाज से नहीं है असबाब के को अपनाने के लिहाज से है कि मैं इससे रुक रहा हूँ मेरा ईमान मजबूत है मैं इसलिए नहीं रुक रहा हूँ कि इसको खा लेने से जैसे मशहूर है कि फ़लाँ चीज़ खा लेने से फ़लाँ बीमारी आ जाएगी तो मेरा यह ईमान नहीं है मगर फिर भी इसबाब को इख्तियार करने का हुक्म दिया गया है इसलिए मैं रुक रहा हूँ तो ये चीज़ सिर्फ खवास के अंदर हो सकती है अवाम में ये चीज़ नहीं आवाम जहाँ भी इसको अपनाएंगे उनका फ़ौर रुझान जो है तला जाएगा कि इसी की वजह से या मेरे खाने की वजह से या मेरे फला अमल की वजह से ये चीज़ अगर खुदा खुदाखास्तः वो मुबतला हो गया तो फ़ौर वो जो है उसको इस तरफ मोड़ कर ले आएगा कि अगर मैं इससे रुक जाता तो ये न होता इसीलिए शरीयत में सिर्फ इतने ही सबूत है कि ये अल्लाह की मखलूक़ात में से बड़ी मखलूक़ हैं अल्लाह ताला इनको गिरफ्त में ले के अवाम को और खसूसा इनकी पूजा करने वालों को ये बताना चाहते हैं कि हम अपनी गिरफ्त में सबको ले सकते हैं माँ वल्लाह सब मेरे मखलूक़ हैं हमने इनको पैदा किया है खालिक हम हैं बाकी सारी चीज़ें इंसान का अपना बनाया हुआ है इंसान का अपना ढोंग है जिसका शरीयत में कोई सबूत नहीं है अल्लाह ताला हमें इन तमाम बातों पर अमल पैरा होने की अता फ़रमाए व आखिर दावाना अलहमदिल्ल रबी आलमी एम ए आर बी दीनी मालूम चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारी हर वीडियो आप अपने चैनल में डाल सकते हैं मीज हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए आप अपना नाम और मुकम्मल एड्रेस के साथ एड लिखकर मेरे व्हाट्सअप नंबर एट को मैसेज करें